सब्सक्राइब कीजिए प्रियाज लवली किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए उपवास के लिए डोसा, और डोसा के साथ हम बनाएंगे नारियल की चटनी और आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, चलो आप इसे ट्राई कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सवा के चावल, इसे व्रत के चावल और भगर भी कहते हैं, इसी तरह के छोटे वाले चावल होते हैं। एक तिहाई कप साबुदाना। अब हम इस चावल और साबुदाना को अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो के रखेंगे। इधर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें सवा के चावल डालेंगे, साबुदाना, और इसमें पानी डाल के दो बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इसी तरह से इस चावल और साबुदाना को मैंने दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो के लिया है। इसमें दो तीन कप पानी डालेंगे और इसे चार से पाँच घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है, चाहिए तो आप ओवर नाइट भी रख सकते हो। मैं इसे ओवर नाइट सोख होने के लिए रखूँगी। चावल और साबुदाना अच्छी तरह से सोख होके तैयार है। मैं आपको साबुदाना थोड़ा हाथ से दबा के दिखाती हूँ, देखो इसी तरह से बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए। अब हम इसमें से पूरा पानी निकालेंगे और इसे मिक्सर में पीसेंगे। पीसने के लिए हमें चाहिए आधा कप दही, इधर मैंने गाढ़ा दही लिया है आधा कप, मिक्सर की जार ली है, इसमें साबुदाना और सवा के चावल डालेंगे भीगे हुए। दो बार करके हमें पीसना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा है। इसमें से थोड़ा दही डालेंगे और अच्छी तरह से स्मूथ पीसेंगे। तो ये बैटर अच्छी तरह से बन के तैयार है, पीस के तैयार है। इसे मैं एक बड़े बाउल में निकालूंगी और सेम इसी तरह से बचे हुए चावल पीसेंगे और बचा हुआ दही भी इसमें डालेंगे। पूरा आधा कप हम इसमें दही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से स्मूथ पीसेंगे। बैटर को सेम बाउल में निकालेंगे, देखो इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ बनना चाहिए। इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन बैटर को ज़्यादा पतला मत कीजिए। इस बैटर को दो तीन मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के एक घंटे के लिए साइड में रखेंगे। तब तक के लिए हम डोसा के साथ कोकोनट चटनी बनाएंगे। कोकोनट चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप फ्रेश कोकोनट, फ्रेश नारियल, चाहिए तो आप डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट भी ले सकते हो। एक चम्मच भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली को भून के उसके ऊपर का छिलका निकाल के लेना है। थोड़ी इमली, आपको चटनी थोड़ी खट्टी पसंद है तो आप इमली डाल सकते हो, आपके पास इमली नहीं है तो एक चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो। एक हरी मिर्च और थोड़ा अदरक, एक चम्मच चीनी और टेस्ट के लिए नमक। इधर मैंने मिक्सर की छोटी जार ली है, इसमें इमली डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक, नारियल और मूंगफली, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी चीनी और टेस्ट के लिए नमक। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चटनी बना रही हूँ। आप उपवास के लिए जीरा, हरा धनिया, करी पत्ते खाते हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो, नहीं तो तड़का भी दे सकते हो। इसे अच्छी तरह से पीसेंगे। तो इसी तरह से मैंने इसे पीस के लिया है, बिना पानी से ही पीसा है। अब हम इसमें दो तीन चम्मच पानी डाल के बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो ये नारियल की चटनी बनके तैयार है, बहुत अच्छी तरह से स्मूथ ये चटनी बन गई है, और खाने के लिए सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब हम डोसा के साथ आलू की सब्जी बनाएंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए इधर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, मीडियम साइज के आलू है। एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। एक चम्मच मूंगफली की पाउडर, मूंगफली को मैंने भून के दरदरा कूटा है, और एक चम्मच घी, चाहिए तो आप तेल भी डाल सकते हो, और टेस्ट के लिए नमक। सब्जी भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं उपवास के लिए जीरा, कड़ी पत्ते, हरा धनिया नहीं खाती तो इसीलिए मैं नहीं डालूंगी। गैस के ऊपर पैन रखा है, इसमें एक चम्मच घी डालेंगे, घी को मेल्ट होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और इसे एक मिनट भूनेंगे। आलू डालेंगे और मिक्स करेंगे।
तो इसके लिए नमक डालेंगे, मिलाते हैं नमक को। पीसी हुई मूंगफली डालेंगे, मिक्स करेंगे और मध्यम आंच पे 2 से 3 मिनट इसी तरह से ही हम इस आलू को फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। इस सब्ज़ी को एक बाउल में निकालेंगे। बहुत ही जल्दी से झटपट सिंपल और टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। चलो अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए बैटर अच्छी तरह से तैयार है। देखो बैटर थोड़ा सा फूल भी गया है। इसमें टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, मिलाते हैं नमक को अच्छी तरह से और बैटर को 1 मिनट इसी तरह से ही स्पून से फेंटेंगे। बैटर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगा तो आप फिर से थोड़ा पानी डाल सकते हो, लेकिन बैटर को पतला मत कीजिए। बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। डोसा सीखने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच घी और तेल। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें थोड़ा घी डालेंगे और टिश्यू पेपर की मदद से इसी तरह से पोंछ लेंगे। थोड़ा पानी डाल के देखेंगे, तवा अच्छी तरह से गर्म हुआ है। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए। स्पून की मदद से बैटर लेके इसी तरह से तवे के ऊपर डाल के गोल घुमाएंगे, मीन्स डोसा बनाएंगे। अब डोसा को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक मध्यम आंच पे सेकेंगे। ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे। डोसा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होना चाहिए। तो इसी तरह से डोसा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है और गोल्डन ब्राउन भी दिख रहा है। डोसा को निकालेंगे। सेम इसी तरह से हम बाकी सारे डोसे बनाएंगे। ध्यान रखें पैन ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए। मीडियम पैन गर्म होना चाहिए, तब डोसे अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी उपवास के लिए डोसा बनके तैयार है। और डोसा के साथ ये नारियल की चटनी और आलू की सब्जी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलो आप इसी तरह से व्रत के लिए, उपवास के लिए डोसा और उसके साथ नारियल की चटनी, नहीं तो आलू की सब्जी बनाइए, खाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूले। तो चले फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।